Yeah, it's that Zach Supo. No, she my flow. Yeah, 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 yeah. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो S1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीवो Z1 Pro के बारे में नहीं है, नई वीवो Z5 के बारे में, ये वीवो S1 के बारे में जो 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ये ऐसा कहा जा रहा है, ये श्योर नहीं हूँ मैं, बट ऑथेंटिकेशन तो ये कह रहा है कि 7 अगस्त को फ़ोन लॉन्च हो जाएगा वीवो S1। तो चलिए इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं और प्राइस भी आपको लगभग मैं बताऊँगा। इंडोनेशिया और चाइना वाला प्राइस श्योर नहीं हूँ कि इंडिया में भी यही प्राइस में आएगा, बट हो सके अगर ये प्राइस तो मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों बात कर लीजिए वीवो के, तो वीवो जो है यहाँ पर बता दे रहा है डिस्प्ले जो है आपको 6.38 इंचेस का जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी कि 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। और आपको जो रिजोल्यूशन रहेगा वो 1080x23 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन रखा जाए। दोस्तों प्रोसेसर आपको जो है इसमें मीडियाटेक हीलियो P65 देखने को मिलने वाला है। ये एक ऐसा प्रोसेसर है ना जो मीडियाटेक भी कहता है कि इनके जो क्रायोज और जो कोर्स दिया है वो, इस प्रोसेसर के बारे में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। मैंने उतना अच्छे से अभी देखा नहीं है, बट मैं एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ मीडियाटेक हीलियो P65 के ऊपर। बट ये कहाँ जा रहा है मीडियाटेक कंपनी उनके तरफ से, ये जो है मीडियाटेक हीलियो P70 से भी कहीं ना कहीं आपको बेटर देखने को मिलेगा हर जगह में, और गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा टक्कर देने वाला है मीडियाटेक हीलियो P70 को। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो P65 देखने को मिलेगा जो न्यू प्रोसेसर है, एकदम ब्रांड न्यू, और ये पहला फ़ोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ इंडिया में आएगा। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो F2.0 एपर्चर सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर जो ये आपको ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रेडमी और के फोन्स में नॉच होता है वैसे ही, जैसे नोट 7 में आप देखिए बिल्कुल वैसे ही नॉच रहेगा। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं 16+8+5 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा। और वीवो Z1 Pro की बात की जाए, मैं थोड़ा सा ऐसे बताना चाहता हूँ, तो आपको 16+8 और 2 मेगापिक्सल का मिल रहा है, इसमें 2 की जगह 3 कर दिया थोड़ा सा, वो सेम कैमरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अपर्चर भी बिल्कुल सेम है, 16 मेगापिक्सल में F1.78 का अपर्चर है, 8 मेगापिक्सल में F2.2 का अपर्चर है, और 5 मेगापिक्सल में F2.4 का अपर्चर है। ध्यान से सुनो, रैम यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4GB रैम 128GB इंटरनल के साथ आएगा ये फ़ोन, और ये बैटरी को जो सपोर्ट करेगा वो है 4500mAh बैटरी को। जहाँ दोस्तों कहा जाए तो एंड्रॉयड 9 पाई कलर ओएस, और माफ़ करिएगा सॉरी कलर ओएस मुंह पे बैठा हुआ है, फन टच ओएस के साथ आएगा, वो भी एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों वीवो S1 तो काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आ रहा है, फीचर्स तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस की तरफ बढ़ते हैं तो प्राइस जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चाइना में ये फ़ोन 4 महीने पहले लॉन्च हो गया, जी हाँ दोस्तों, और इंडोनेशिया में भी इसी महीने में लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया में जो है ITR 3599000 में लॉन्च हुआ, यानी कि इंडोनेशिया रुपीज़ की बात करते हैं तो 35,99,000 इंडोनेशियन रुपीज़ में ये इतना में लॉन्च हुआ है इंडोनेशिया में, ठीक है, वीवो S1। और इंडिया में अगर मैं उसका कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आता है 17,800 रुपये, यानी कि 17,800 रुपीज़ फॉर 4GB रैम 128GB इंटरनल। और यहाँ पर आपको कलर जो देखने को मिलेंगे वो रहेगा कॉस्मिक ग्रीन, स्काई ब्लू, और एक कॉस्मिक ब्लू भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ फ़ोन तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय। और एक बात बताते रहना चाहता हूँ, मीडियाटेक हीलियो P65 के ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी आने वाला हूँ, ये बात मैंने अभी डिसाइड कर लिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।